अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी, निम्न से किसका संरचना घनी निबिड़ संकुलित यानी सीसीपी है। यानी देखिए बता दूं आप लोगों को, ये आप लोगों में ऑप्शन दे रखा है कि एयू है, एजी है, पीटी है, सभी है। तो सभी यहां पर जो संक्रमण तत्व ये दिखाई दे रहे हैं, एजी, एयू, पीटी है ना, सभी ये जो होते हैं ये सीसीपी ही संरचना बनाते मेरे प्रिय विद्यार्थी। और सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यानी उप सह संयोजन संख्या सभी का कितना होगा, 12 होगा। एक और बात है, इसका पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, संकुलन क्षमता, तो सबकी संकुलन क्षमता जो होगी, अभी लिख देता हूं सब जान लो है ना, संकुलन क्षमता जो होगी इन सभी का है ना, सबकी होगी मुन्ना 74%। कितना होगी? 74%। और रिक्ति कितनी होगी, खाली जगह जिसको बोलते हो रिक्ति, यानी कि रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह, क्या होता है, खाली स्थान। और खाली जगह इसका कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो इसका होता है 26%। क्या होती है, 26%। ठीक है, और एक बात बताना चाहूंगा, इसमें सीयू भी अगर आएगा तो सीयू का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12, क्योंकि सीयू भी क्या करता है, सीसीपी संरचना बनाता है। ठीक है, सबको क्लियर होगा, चले आगे बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। देखिए यहां पर आ गया ये क्वेश्चन आपका कि जेडेन सल्फाइड यानी जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेड भी कहते हो, जस्ता का मुख्य अयस्क है, जिंक ब्लेड यानी जेडेन एस में जेडेन टू प्लस एवं एस ओ टू माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उप सह संयोजन संख्या कितना होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसकी आंसर होती है क्या, बिल्कुल ये होता है, ये आप लोग जानते हो किसका होता है, NaCl का होता है। NaCl में किसका होता है, तो Na प्लस का और है ना Cl माइनस का कितना होता है, 6-6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। 8-8 क्या होता है, तो सीजियम क्लोराइड का होता है। सीजियम क्लोराइड का मतलब ये होता है कि सीजियम थोड़ा सा कर लेता हूं, रुक जाइएगा, इसमें किसका होता है, तो सीजियम है ना, सीजियम जो होता है CS प्लस का जो होता है 8 होता है, और Cl माइनस के भी कितना होता है, 8-8 होता है। ये तीन टाइप के होता है, क्या होता है, Na2O का होता है 4 और इसका होता है 8। CaF2 की बात करते हैं तो CaF2 में इसका होता है 4 और इसका होता है 8। क्लियर है? तो इस टाइप से सारी आप लोग को मैं क्या कर रहा हूं, हर चीज को क्लियर करते जा रहा हूं। अगर ध्यान में रखेंगे तो एक भी एक नंबर या नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाकर लेकर चलता हूं। करक किस अर्धचालक में चालकता के कारण इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मतलब वो कौन सी चालक है जिसमें चालक के लिए, उसमें चालक के लिए उत्तरदायी जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए दिया है बी प्रकार के, ऑप्शन बी दिया है एन प्रकार के, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं आप लोगों को, एन टाइप के अर्धचालक जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, एन टाइप के अर्धचालक जो होता है ये क्या होता है, एन टाइप के अर्धचालक जो होते हैं ये क्या देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, चालकता का उत्तरदायी जो होगा है ना, चालकता का कारण या उत्तरदायी कह सकते हो, उत्तरदायी है ना, उत्तरदायी जो होता है वो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन लेकिन पी टाइप में कौन होता है, पी टाइप में होल होता है मुन्ना, छिद्र होता है, इसको बोलते हो छिद्र है ना, छिद्र होता है, छिद्र होता है, कौन होता है, छिद्र होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, छिद्र होता है, ठीक ना, याद रखें। फिर से एक बार बात करूंगा आपसे, ध्यान रखेंगे मुन्ना, क्या चीज, देखिए यहां पर ये बता दूं आप लोगों को कि इस पर जो होता है छिद्र भाग लेगा, जो क्या होगा, छिद्र जब भाग लेता है, छ वाला है छिद्र, तो यह होल काम करेगा, पी टाइप का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब उत्तरदायी होगा तो आपका क्या होगा, चालकता का कारण कौन बनेगा, एन टाइप अर्धचालक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतराकाशीय दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतराकाशीय दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतराकाशीय दोष में क्या होता मुन्ना कि इसमें एटम जो होते हैं लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो जिसके कारण इसकी क्या होती है, इसकी घनत्व की बात करते हैं यदि आपसे, तो ऑलरेडी इसकी घनत्व क्या होगी बताइएगा, तो इसमें अंतराकाशीय दोष में क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी पर प्रभाव पड़ने की बात करोगे तो ऑलरेडी इसमें क्या होता मुन्ना, घट जाता है ना। अंतराकाशीय दोष में क्या होती है, यानी इसका घनत्व, ठोस के घनत्व जो होगा वो क्या होता है, घट जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, आप देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि लिथियम क्लोराइड को वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता तो लिथियम का रंग कैसा होगा। लिथियम क्लोराइड को क्या कह रहा है कि वाष्प के साथ अगर गर्म करते हो, वाष्प के साथ गर्म करते हो तो लिथियम क्लोराइड कैसा रंग उत्सर्जित करेगा। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है बैगनी। क्या लॉक करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो इसमें आपका जो होगा आंसर गुलाबी करेगा, क्या करेगा, गुलाबी रंग उत्सर्जित करता है। क्लियर है, बोलिए। और जेडेन ओ होता तो पीला देता आप लोगों को, ठीक ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाकर आपको लेकर आता हूं, ये क्वेश्चन नंबर रहा। कह रहे किस अर्धचालक में चलकता के कारण छिद्र होता है, अब नहीं मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन ए है पी टाइप, ऑप्शन बी है एन टाइप, ऑप्शन सी है दोनों, और डी है नॉन ऑफ दीज। मैंने अभी तुरंत बताया कि होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पी टाइप का कारण बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन टाइप का कारण बन जाते हैं मुन्ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का, इसमें आंसर हम लोग लॉक करेंगे, क्या चीज, ये लॉक करेंगे। फिर से एक बार सुन लो, कहीं भी किसी भी धारा के प्रवाह की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होती है इन टाइप और चालक की तरह कार्य करेगा। इन टाइप और चालक तब कहेंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, है ना, और जब होल भाग लेगा तो समझना होल एज अ प्रोटॉन, इसलिए उसमें पी टाइप अर्धचालक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्वेश्चन ये कि सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय, षष्टकोणीय, चतुष्फलकीय, नॉन ऑफ दीज। जल्दी मारो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये क्या होगा, जल्दी करो आंसर लॉक करके रखो जल्दी से। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, आप लोग भली भांति जानते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती, आठ बीसी संरचना में यहाँ पर अष्टफलकीय आकृति बनाता है, क्या बनाएगा, अष्टफलकीय आकृति बनाता है। सोडियम क्लोराइड की आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय बनाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा होगा, यदि कह रहा बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि बैंड गैप जो होता है इतना हो तो पदार्थ होगा अतिचालक, ऑप्शन ए में दिया है, बी में अर्धचालक दिया है, सी में क्या वैद्युत रोधी दिया है, क्या लॉक करोगे आप लोग, बोलो। यदि बैंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो ये जो होता है पदार्थ क्या होता है, अर्धचालक के अंतर्गत आता है, सेमी कंडक्टर। मैं बताऊंगा बैंड सिद्धांत क्या है, और बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और अतिचालक को क्या करें, परिभाषित करना होगा। ये मैं बाय फिगर बताऊंगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना बनता है, और खास करके ये प्रश्न फिजिक्स में भी आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर केमिस्ट्री में ही पढ़ा दूंगा, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री में आए, अगर केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में, दोनों में से कोई में आने की संभावना बनता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने, आ गया। कह रहे कि तांबे के लिए समन्वयन संख्या कितना होता है। समन्वयन संख्या का मतलब होता है मुन्ना वही कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। तो अभी तुरंत आप लोग के बताया कि कॉपर जो होता है क्या बनाता है संरचना, सीसीपी बनाता है। जब सीसीपी बनाता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सीएन संख्या जो होगा वो कितना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो सीएन संख्या 12 होता है। क्लियर है। अब इसमें कोई पूछेगा क्या सर ये बता दो, क्या इसमें
इसमें इसकी संकुलन क्षमता कितनी होएगी? तो संकुलन क्षमता जो होती है 74%। संकुलन क्षमता का मतलब ये हो गया मुन्ना कि भरा गया भाग, भरा हुआ भाग, घेरा गया क्षेत्र है ना, घेरा गया क्षेत्र। तो घेरा गया क्षेत्र जो होता है, घेरा गया क्षेत्र जो होता है मुन्ना, ये क्षेत्र कितना प्रतिशत? 74%। तो खाली कितना बचा? तो खाली आपका बच गया 26%। कितना? 26%। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जरा गौर करेंगे। अगर एससी होगा तो ये कितना होता है? एससी का होता है आपका है ना संकुलन क्षमता है ना 52.4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीसीसी की बात करेगा तो संकुलन क्षमता यानी घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र वो कितना होता है इसका? 68%। अगर अगर क्या हो, एचसीपी हो, एचसीपी हो है ना, एफसीसी हो है ना, सीसीपी हो, तो इन सबों की कितनी होती है घेरा गया क्षेत्र? 74%। कितना होता मेरे प्रिय विद्यार्थी? 74%। लेकिन रिक्ति कितना होता है? रिक्ति माने खाली, खाली कितना हो गया? तो खाली निकालो भाई, घटा लो इसको 100 में से। तो 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा? घटा के देख लो, यानी 100 में से कितना घटानी है मेरे को? कितना? 4.0 कितना इतना घटानी है, चेक कर लेता हूं ताकि गलती ना हो। 6 होगा और ये 9.7 होगा, 47.6%। इसका हो गया रिक्ति कितना? 47.6%, ठीक है। इसका जो हो गया 32%, इन सबों का जो हो गया वो कितना हो गया? 26%। क्या मुन्ना? 26%। क्या हो गया? लो ये क्या हो गया? घबराइएगा मत बाबू, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है मेरे को इस सब करने में, कभी कभी हो जाएगा ऐसा, घबराएंगे नहीं। आगे जगह पे आप लोग के आगे क्वेश्चन सब कट गया, आंसर भी खत्म हो गया इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबको लॉक कर लिया जाए, आप तो जान गए वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, यहाँ पे सब लोग जान गए, यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा। तो आप लोग को एक बात बता देते हैं, मैं फटाफट फिर आंसर क्लिक करता हूँ, आप लोग इसी प्रकार से मुन्ना, तो आप लोग देखते जाना इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया जिसके कारण ऐसा घटना हो गई, ये होगा, ठीक है। उसके बाद शायद मेरे ख्याल से आप लोग समझ लिए होंगे, 9 का आंसर लॉक कर दे मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या है? 11 क्वेश्चन है ना, तो 11 क्वेश्चन का उत्तर लॉक कर लो। क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन की सिलिकॉन की बोरॉन के साथ डोपिंग किससे संबंधित है? डोपिंग किससे संबंधित है याद करो, सिलिकॉन में, यानी वर्ग 14 में आप डाल रहे हो वर्ग 13 को, हायर में कम को डाल रहे हो तो क्या होगा? होल का निर्माण होगा। और जब होल का निर्माण होगा तो इसमें क्या उत्तर होगा ये बता दीजिए आप लोग, क्या उत्तर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? तो इसमें उत्तर की बात करें यदि आप लोगों से, तो क्या होगा जरा बताइए, आप ही लोग उत्तर लग करो, तो 11 के बी होगा। क्या होगा? 11 का बी उत्तर होगा। चलो अब बात कर सकते हो हमसे भाई, क्योंकि पहले आप लोगों कोई यहाँ पर नहीं इतनी दिखा पाया, यहाँ पर मैंने सोचा क्या चीज कि आप लोगों को बोलना नहीं पसंद किया, आप लोग क्वेश्चन आप लोग को मैंने पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव अब बात कर सकते हो। अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ जाए क्या? सर जी, 3 नंबर का फिर से, 3 नंबर का फिर से, ओके। पहले डील कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आकर 3 को बता दूंगा, कोई दिक्कत? पहले सब्जेक्टिव को डील कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं बात करते उस पर मूव कर जाएंगे, पूछ लेंगे आप लोगों से, कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलिए चलते हैं बात करते हैं। देखिए कल इस रिएक्शन को मैंने क्या कर रहा था मुन्ना, कल इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने इस रिएक्शन को है ना, इस रिएक्शन की बात करें आप लोगों से, तो जब इस रिएक्शन को मैंने बता रहा था, जिम ही गड़बड़ हो गई थी, कह रहा है कहीं नहीं जा रहा अभिक्रिया से, क्या समझते हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण 12वीं के एग्जाम के दृष्टि से है ना, ध्यान रखेंगे ये चीजें, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड को 60% सांद्र NaOH विलयन के साथ
ठीक है ना, अभिक्रिया कराई जाती है तो फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम फॉर्मेट एवं मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब कहोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी कि सर इसको आप इस रिएक्शन को समझा दो, अवश्य समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं जिससे कि आप लोग को मैं बता दूं अभिक्रिया। देखिएगा, अभिक्रिया में मैं ये बता दूं फॉर्मल्डिहाइड की सूत्र क्या होती है, ये पहले जान लो। HCHO, जहां देखो CHO, CHO कार्य बउआ चो, ये होता है अल्डिहाइड का। क्या है? अल्डिहाइड का, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहां ये जो होता है ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का। तो मैं ऐसा करता हूं, फॉर्मल्डिहाइड के हम दो अणु लेकर चल रहा हूं। कारण क्या है दो अणु लेने का? एक मेरा मकसद यहां मोटो है जो आप लोग को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अवकरण होता है, तो एक से बनता है सोडियम फॉर्मेट, दूसरे से बनता है मिथाइल एल्कोहल। क्लियर है? तो जरा सुनेंगे। तो इसलिए मैंने एक अणु यहां ले लिया, दूसरा अणु मैंने यहां ले लिया। अब इसको मैं कराऊंगा सांद्र, सांद्र NaOH बिलियन से रिएक्शन कराऊंगा। ये भी कैसा है भैया? ये क्या होता है? CONC, कॉन्क माने होता है सांद्र। वो भी कितना? 60% सांद्र होनी चाहिए। एकर मतलब कि 100% में 40% जल हमें मिलल बुए, और बाद में इका बुए 40-60% इसमें ये है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें होता क्या चीज है, ये आपसे बोल रहा है कि सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। तो पहले सोडियम फॉर्मेट का सूत्र देख लो ना। देखो तो सोडियम फॉर्मेट की सूत्र जो होती है HCOONA, याद है? ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट है। क्या है? सोडियम फॉर्मेट है। क्या है मुन्ना? सोडियम फॉर्मेट है। क्लियर है? अगर यही होता कैल्शियम, यानी मान लें कि पोटेशियम फॉर्मेट लिखना होता, तो मैं फॉर्मेट का सूत्र ये है फॉर्मेट का और पोटेशियम जोड़ देता, तो ये कहलाता सोडियम फॉर्मेट। और दूसरे का क्या मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? मिथाइल एल्कोहल मिलेगा। जरा गौर करना। अब यहां मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, काट कर कुछ निकालना चाहता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। जरा मेरी बात को समझना। देखो मेरे को निकालना है, एगो एच निकालना है, दू गो ओ निकालना है, एगो सोडियम निकालना है, एगो यहां से कार्बन निकालना है। देख ले यहां से, ध्यान दे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, दो मिल गया, एगो एच और एगो सी यहां से निकाल लेते। पूरा यहां से काटने दे मेरे को। अब क्या करना है देखो, यहां से मैं काट रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, पूरा ये मैंने काट लिया। और काट कर मैं कर क्या रहा हूं, मेरी बात को समझना। अब मैं एच को पहले लिख रहा हूं, एच हो गया, सी हो गया, कहां से? ये वाला एचवा, ये वाला सीवा ले लिया। अब लिख रहे हैं एगो ऑक्सीजन दो गो, तो ओ ओ एन ए इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट प्लस प्लस। अब देखो यहां पर एगो एच यहां है, एगो एच यहां यहां है, और एगो एच यहां है। कै गो एच हो गया? तीन गो। ध्यान रख, एगो एच यहां है, एगो एच यहां है, एगो इसमें के एच, तो कै गो एच हो गया? तीन गो एच हो गया। कार्बन को उतार दिए, CH3 हो गया। इस ससुरा के पलटी मार दो, कैसे कर दो? OH कर दो, बन गए एल्कोहल। फिर से एक बार, एगो एच यहां है, एगो एच यहां है, एगो एच यहां है, तीन गो एच हो गया। और उसके बाद ये वाला ओवा और ये वाला एचवा को पलट कर ऐसे कर दो, कैसे कर दो? ई जैसे ससुरा ऐसे है ना, इसको पलट कर ऐसे OH कर दो। क्लियर हो गया? तो बन गया क्या चीज? CH3OH बन के तैयार हो गया। यही है हम लोग का कैनिजारो अभिक्रिया का, यानी रिएक्शन का अभिक्रिया है। फिर से एक बार प्रिय विद्यार्थी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा मिटा लेते हैं आप लोगों के लिए, जरा गौर करेंगे और एक बार फिर से बताएंगे। कारण क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आप लोग का है मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरी बात को समझना, ये बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। जरा गौर करना, देखना।
देखो देखो यहां से फिर से एक बार फिर मैं क्या करता हूं, वही कलर पीले में बात करता हूं, पीला को उठाया, जरा गौर कर देख यहां पर क्या हो रहा है, मेरी बात को समझने का सब लोग प्रयत्न करना। यहां मैंने लिया H, थोड़ी सी परेशान करेगा, वेट, देखिए अब H हो गया, फिर क्या होगा CO, है ना, CO क्या होगा, फिर से एक बार देख लो क्या है, हम लोग को लेना है सी एच ओ लेना है, क्या मैं माफ कीजिएगा फिर से क्या करता हूं, हम लोग को लेना है सी एच ओ लेना है, देखो यानी हम लोग को लेना है क्या एच, क्या है यानी सी एच ओ हो गया, तो सी एच ओ को ऐसे ना लिख करके हम जरा लेते हैं फॉर्मल, क्या किसका सूत्र लेते हैं, तो हम लेने वाले हैं इसको, ये हो गया फॉर्मल डिहाइड एच सी एच ओ, फिर दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का भी मैंने मॉलिक्यूल को अणु को ले लिया, लेने के बाद मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाया, वो भी कितना 60% सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाया, वो भी कैसा मुन्ना, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाया। अब देख क्या हो रहा है, यहां से मैं कट मारने वाला हूं, जरा गौर करना, यहां से मैं कट मार रहा हूं, क्या देख यहां से पूरा ये कट मारते हैं, यहां से पूरा ऐसे कट मारता हूं, ये मारकर यहां पर आया और ई ससुरा को बाहर इतना कर लेते हैं, ये बाहर करते हैं तो क्या हुआ, एगो यहां पर क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है, तो मैंने लिखा एगो एच लिखा, फिर क्या मिल रहा है, एक कार्बन मिल रहा है, तो एक कार्बन ले लिया, यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन तो हो गया ये, और उसके बाद सोडियम को मैंने अटैच कर दिया, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। और अब देखो एगो कार्बन, एगो कार्बन यहाँ, सॉरी एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, कुल मिलाकर तीन गो, लेकिन एगो कार्बन, तो कार्बन मैंने लिखा, तीन गो हाइड्रोजन लिखा, और उसके बाद OH एल्कोहल लगा दिया, बनकर तैयार हो गया, इसका नाम है फॉर्मल डिहाइड, क्या नाम है, फॉर्मल, थोड़ा सा देखिए इसको लिखते हैं फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या हो गया सोडियम सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेट, ये क्या है मेथनॉल या मिथाइल एल्कोहल, मेथनॉल आईपीएसी नेम हो गया, मिथाइल एल्कोहल। अब आप लोग बात कर सकते हैं, जरा दीजिए इन लोग से बात करें, क्या आप लोग क्लियर है, बोलिए क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी, चलिए एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, उसके बाद हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, सुन ध्यान से सुन, ठीक बा सर जी, अटेंशन अटेंशन, बिल्कुल मेरे पर एकाग्र रहो, तो अटेंशन प्लीज, मेरे को देखना, भले हम जैसा भी हैं उसे मतलब नहीं, मेरी बतिया को सुन क्या बोल रहे हैं, मन से सुनना, दिल में घुस जाएगा, ठीक है देख, कहता है क्या कि जब फॉर्मल्डिहाइड के 60 क्या करे, जब फॉर्मल्डिहाइड के 60% सांद्र विलयन को, जब फॉर्मल्डिहाइड के 60% सांद्र NaOH विलयन, जब फॉर्मल्डिहाइड के सांद्र 60% सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या कहता है गर्म किया जाता है, तो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम क्या होते सोडियम फॉर्मेट एवं मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखो क्या बोले, ये बोले कि जब फॉर्मल्डिहाइड को 60% NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम फॉर्मेट एवं मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बाबू इतना लिख के अगर ये वाला रिएक्शन होना दे दिया तो तुम दो नंबर के लिए हकदार हो, कोई के यहाँ ताकत नहीं कि इसको काट देगा। क्या मुन्ना अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, बोलो ठीक है,
चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, बुर्ज अभिक्रिया से क्या समझते हैं? बुर्ज अभिक्रिया से क्या समझते हैं? जब अल्काइल हैलाइड क्या करे, जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क इथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्च कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होता है। ये 2009 में भी प्रश्न आया है, बीच में भी प्रश्न आया हुआ है, ये 12वीं के एग्जाम में ये प्रश्न मुना क्या होता है, आता रहता है। क्या करे, बुर्ज अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उत्तर दे रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क इथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो उच्च कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरा है, गेस है मुन्ना, तू लोगों के लिए मेरे बंधु याद रखना ये बातें। क्या बोला कि जब सोडियम क्या करेगा, जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क इथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्च कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है जिसे बुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अब रिएक्शन ले लो, इसका रिएक्शन जरा देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा आ जाओ रिएक्शन पर। तो रिएक्शन क्या हो गया, कहता है आर एक्स का मतलब क्या हुआ, आर एक्स का मीन बता दे मेरे प्रिय विद्यार्थी। आर एक्स मतलब होता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई इसके जगह पे आ सकता है। आर का मतलब क्या होता है, आर फोर मिथाइल होता है, यानी मतलब AlKyl अल्काइल ग्रुप कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप कंपाउंड होता है, अल्काइल ग्रुप कंपाउंड होता है मेरे विद्यार्थी, ग्रुप कंपाउंड CpDS करता हूं ठीक है। जैसे CH3 आ सकता है इसके जगह पर, फिर क्या आता है C2H5 आ सकता है, फिर इसके जगह पर C3H7 आ सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखें इसी प्रकार से .. तो हम यहां पर कहेंगे ये बातें आप लोग को मैं कहना चाहूंगा, यहां पर ध्यान रखेंगे क्या चीज, तो इस पर को ध्यान से देखेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन बुर्ज अभिक्रिया आ गई, तो यहां है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सोडियम धातु के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम धातु Na ले लिया, इसमें Na के लेने के बाद में फिर क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड को यहां पर मैं लूंगा, अल्काइल हैलाइड को अब लिखने की तरीका मेरी आएगी, XR लेंगे, उसके बाद ड्राई ईथर को डालेंगे, क्या डालेंगे, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर को डाला। शुष्क ईथर को डालते ही मेरे प्रिय विद्यार्थी ये पूरा कट के क्या होगा, बाहर निकल गया, R जुट जाएगा, तो दो गो R जुटता है तो ये अल्केन हो जाता है, और 2NaX क्या होगा बाहर। एग्जांपल, जैसे R की जगह पर ले लिया CH3 और X की जगह पर ले लिया Cl, अब प्लस सोडियम के जगह पर मैं सोडियम ही ले रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्या ले रहा हूं, सोडियम ही ले रहा हूं, 2Na की बात कर रहे हो तो 2Na ले लिया, उसके बाद इसके जगह पर मैं क्या कर रहा हूं, जो है उसके बाद क्या ले रहा हूं, Cl और CH3, ध्यान रखेंगे जो यहां है वही यहां कंपाउंड को लेना होगा, और यहां पर लिख दे ड्राई ईथर, क्या लिखोगे, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेके काटा मार काटा करके यहां से बाहर निकाल दे, तो एगो कार्बन एगो कार्बन कै गो हो गए, दो गो कार्बन हो गया, तीन गो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, और निकल गया 2NaCl मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये है आपका बुर्ज अभिक्रिया। क्या आप लोग को समझ में आ गई, बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए जल्दी मुन्ना बोलिए, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, समझ मेरी बात आई नहीं आई, सर आ गया समझ में, आगे चले, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें याद करनी होगी, अगर तूने नहीं याद किया तो फिर पढ़ना बेकार है मेरे प्रिय विद्यार्थी, समझ गए, इसलिए आप लोग क्या करोगे, याद करते चलोगे ज्यादा बेटर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, आप लोग जितना जल्दी इसको याद करते चलना। आ गया, ये देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है आप लोग के लिए आज का, क्या बोल रहा है जरा गौर करो, देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज,
कि अक्रिय गैस एकल परमाणुविक होते हैं क्यों? अक्रिय गैस एकल परमाणुविक होते हैं क्यों? आंसर दे रहा है अक्रिय गैस के बाह्यतम यानी बाह्य कक्ष, बाहरी कक्ष। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षक पूर्ण भरित होने के कारण, पूर्ण भरित होने के कारण क्या करता है? ये अन्य तत्वों के परमाणुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात इसके पास कोई संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, अतः ये क्या होते? एकल परमाणुविक होते हैं। जैसे जैसे मान लो हम उठा लेते हैं ऑर्गन 18, उठा लिया ऑर्गन 18 को तोड़ेंगे तो 2 8 8 में देख इसकी क्या हो गई, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष पूर्ण भरित है, अर्थात इसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर संयोजकता निकालूं तो 8 मिले, अंतिम इलेक्ट्रॉन घटाऊंगा तो संयोजकता क्या हो गई? शून्य। क्लियर है? फिर से एक बार, अब यानी अक्रिय गैस क्या होते? एकल परमाणुविक क्यों होते हैं? तो बोलना होगा अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष पूर्ण भरित होता है, देखना पूर्ण भरित है यानी अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है। तो वही तो मैंने भी लिखा है कि अक्रिय गैस के बाह्य कक्षक पूर्ण भरित होने के कारण क्या होता है? यह अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। स्वाभाविक है कि पेट भर जाए तो दूसरा घर जाइबे तो खाइबे ना बाबू, ना ना खाइबे। तो बात उहे बा कि ए ससुरा के पेट भरल बउए तो अब ई कोई घरे खाई ना आचाई। समझ में आ गई? ई खाई ना आचाई। तो अब पूर्ण भरित होने का मतलब यह हुआ कि इसके पास अब जगह नहीं है, अर्थात इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये किसी अन्य तत्व के परमाणु से अभिक्रिया नहीं करेगा। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये अकेला ही रहता है। क्या रहता है? अकेला ही रहता है। फिर से सुन ले क्या बोला कि अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षक, बाहरी कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण भारित होने के कारण यह अन्य तत्वों के परमाणुओं से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इनके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन शून्य होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, इसलिए ये क्या होते? एकल परमाणुविक होते हैं। क्या सबको क्लियर है? अगर है तो हाँ में जवाब दे जल्दी। यस सर। यस यस सर। सबको क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी? बोल ले भैया। चलो बहुत बढ़िया, चल आगे देखते हैं। हाँ सर जी, ठीक बात है। 2 मिनट, क्या मजा आ रहा है? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों से मजा आ रही है। ऐसे ही करे ना, कर ले एक नंबरिया से मनोरंजन कर ले, दो नंबरिया दिमाग में ढुका ले, कोई दिक्कत? ठीक है सर, दो बढ़ा दीजिए। सब के नोट चल के बनाना, नहीं तो मार के चोप छोड़ा देंगे हम। ठीक है, 300 से नहीं काम चलेगा सर। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं ना? यार मेरे भैया, मेरे बंधु, लोग एक अलग क्या करना, अलग एक कॉपी पे इसको क्या करना, लिखते जाना, याद करते जाना, जाए तो गुरु द्रोण केमिस्ट्री क्लास का ध्वज ऊपर रहे। लहरा दोगे क्या? क्या मेरा ध्वज नीचे रहेगा क्या मेरे बंधु? सबको क्लियर है? सबसे ऊपर रहेगा। धन्यवाद, चलते हैं फिर कल इसी के साथ। मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट और 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं इसी टाइम में। तब के लिए गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।